सिंध जीके पार्ट फाइव कोर्ट्स फोर्ट्स अमाउंट्स एंड पोर्ट्स ऑफ सिंध एसपीएससी टेस्ट म्यूनिसिपल ऑफिसर टाउन ऑफिसर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एंड डिफरेंट टेस्ट वेलकम इन जीके फोरम द हाउस ऑफ नॉलेज एंड टेस्ट प्रिपरेशन एंड इट्स मी मंसूर अमन सुहाग। आज हम सिंध जनरल नॉलेज का पार्ट फाइव डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जिसमें हम कोर्ट्स फोर्ट्स और माउंट्स एंड पोर्ट्स ऑफ सिंध जो है ये फेमस जो इम्पोर्टेंट है टेस्टों में आ सकते हैं तो उनके जो ना यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में और डिटेल में इनको हम स्टडी करेंगे। काइंडली वीडियो को एंड तक देखना और बहुत इम्पोर्टेंट है एसपीसी की टेस्टों के हवाले से खासतौर पे म्यूनसिपल ऑफिसर एंड टाउन ऑफिसर। सबसे पहले फेमस कोर्ट्स फोर्ट्स ऑफ सिंध हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रनी कोर्ट इज इन जामशोर नियर सन द लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज इट इज द लार्जेस्ट फोर्ट इन एशिया। और उसके बाद फिर दलील कोर्ट दूसरा है दलील कोर्ट इज नवाबशाह शहीद बेनजीराबाद सकरन रोड। ये दलील कोर्ट जो ना पूछ सकता है टेस्टों में कि यह कौन से शहर में है या कहाँ पे है तो वो सकरन रोड पे शहीद बेनजीराबाद नवाबशाह में जो ये मौजूद है दलील कोर्ट। और इसके बाद उमर कोर्ट इज इन थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में ही उमर कोर्ट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रनो कोर्ट इज इन मीरपुर साकरो एंड नन कोर्ट इज इन मीरपुर खास। नेक्स्ट हमारा कोट रिजी फोर्ट जिसका पुराना नाम जो था वो किला अहमदाबाद था इज इन अख्तियारपुर मीरस बिल्ट बाय मीर सोहराब खान टालपुर। दूसरा है अकलान कोट इज इन ठट्टा ये अकलान कोट ठट्टा में है वाकई है। नेक्स्ट हम अभी हम बात करेंगे फेमस माउंट्स जो दड़ो ऑफ सिंध जैसे माउंट जो दड़ो है और जो दूसरे जो दड़ोज हैं सिंध में उसके हवाले से हम डिटेल में थोड़ा बात करेंगे कि ये अब इनकी मैं हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा या इनकी डिटेल के बारे में बताऊंगा तो बहुत जो ना टाइम लग जाएगा इस वक्त इसलिए मैं टू द पॉइंट और स्पेसिफिक जो ना टेस्टों के हवाले से जो चीज़ें टेस्टों में पूछ सकते हैं तो उसके हवाले से जो ना मैं डायरेक्ट वो बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आमरी जो धड़ो इज इन सेवन शरीफ ये टेस्टों में पहले भी क्वेश्चन एस पी सी ने पूछ चुका आया है कि आमरी जो धड़ो जो ना वो कहाँ पे है सेवन शरीफ में है। और दूसरा है काहू जो धड़ो इज इन मीरपुर खास चाहू जो धड़ो इज इन सकरन और देने जखर जो दड़ो इज इन लारकाना और लखन जो दड़ो इज इन सखर मोहन जो दड़ो इज इन लारकाना आल्सो कॉल माउंट ऑफ डेट्स। अब हम बात करेंगे फेमस पोर्ट्स के हवाले से जो सिंध में पोर्ट्स है सबसे पहले अलायो पोर्ट वाज इट ठट्टा जाति तालुका तालुका जाति डिस्ट्रिक्ट ठट्टा ठट्टा ये अलायो पोर्ट वहां पे था। और उसके बाद फिर आलमोर पोर्ट ये वाज पोर्ट ये आर्मोर तालका है आप बलूचिस्तान ग्रीक्स कालिट बाजेरा ये आर्मोर पोर्ट जो है ये इसमें बलूचिस्तान में है और उसके जो ग्रीक्स थे वो इसे बाजेरा के नाम से जो है वो बोलते थे जहाँ। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे औरंगा पोर्ट वाज इट सुपर पक्का केनार डिस्ट्रिक्ट ठट्टा ये औरंगा पोर्ट भी ठट्टा में है। नेक्स्ट जो है ये बिन कासिम पोर्ट की हम बात करेंगे एसोसिएटेड विद मोहम्मद बिन कासिम से बिन कासिम पोर्ट का नाम ही जो है मोहम्मद बिन कासिम से जो ना इस पे रखा गया है एस्टेब्लिश्ड बाय जुल्फिकार अली भुट्टो ऑन 27 जून 1973 इन द एरिया ऑफ पिपरी कराची। देयर इज अ रेलवे ट्रैक बिटवीन पोर्ट एंड स्टील मिल एंड पोर्ट के बीच में रेलवे ट्रैक भी है और ये 27 जून 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसे इनॉग्रेट किया था और मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जो ना एसोसिएटेड है बिन कासिम पोर्ट। उसके बाद हम बात करेंगे बम्बोर पोर्ट की बम्बोर पोर्ट जो है 54 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कराची ग्रीक कॉल्ड इट बारबेरी राइटर्स ऑफ पेरिप्लस कॉल्ड इट बारबेरिकान एंड मार्को पोलो सेड अबाउट इट के हॉर्सेस वर ट्रेडेड टू द वर्ल्ड फ्रॉम हेयर ये सारी दुनिया में जो है ये घोड़े जो है ट्रेड किए जाते थे इसी पोर्ट से बम्बोर पोर्ट से। अब हम कराची पोर्ट की बात करेंगे कराची पोर्ट मेड इन 1617 1617 में कराची पोर्ट बना था और लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान सर चार्ल्स नेपियर जो फर्स्ट गवर्नर थे अपडेटेड लाइट हाउस हेयर इन 1889 सर चार्ल्स नेपियर ने 1889 में यहाँ पे लाइट हाउस बनाया था। दिस पोर्ट इज आल्सो यूज्ड इन वर्ल्ड वार वन इन 1914 बाय मिलिट्री फोर्सेज ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट की मिलिट्री फोर्सेज थे तो वर्ल्ड वार वन जब लगी थी तो उसमें सब कॉन्टिनेंट से भी मिलिट्री फोर्सेज ने पार्टिसिपेट किया था ब्रिटिश के बिहाफ पे ब्रिटिश की तरफ से तो उस वक्त ये जो कराची पोर्ट भी यूज किया गया था।
इंडियन फोर्सेस ने इसे यूज किया था सब कॉन्टिनेंट की। अभी हम बात करेंगे फेमस लेक्स की, सिंध में कौन कौन सी फेमस जो ना वो लेक्स है। सबसे पहले हम बात करेंगे अमनचर लेक इज लोकेटेड इन दादू, ये अमनचर लेक दादू जिला में है और द लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान है। और उसके बाद अकिंजर लेक इज लोकेटेड इन ठट्टा, द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ पाकिस्तान। देयर इज टॉम्ब ऑफ होंदल शाह इन साइड किंजर लेक, किंजर लेक के अंदर जो ना वो होंदल शाह पीर की जो मजार भी है। और नूर जाम तमाची इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस लेक। अब ये होंदल शाह एंड नूर जाम तमाची जो ये जो सिंधी लिटरेचर के कैंडिडेट्स हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये कौन सी पर्सनैलिटीज हैं और इनका क्या किरदार रहा है सिंधी लिटरेचर में और सिंधी हिस्ट्री में हवाले से। अभी नेक्स्ट दूसरी है दलियार लेक एंड मुखी लेक आर लोकेटेड इन फिप्रो सांगर, ये दलियार लेक और मुखी लेक फिप्रो सांगर में है। और हमल लेक एंड ड्रिग लेक आर लोकेटेड इन कंबर शहदादपुर। ये हमल लेक का जो ना एसपीएससी ने लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था कि हमल लेक जो ना वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदादपुर में है और ड्रिग लेक भी कंबर शहदादपुर में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हालेजी लेक की, हालेजी लेक को पैराडाइज ऑफ बर्ड्स भी बोलते हैं। एंड सुनेरी लेक आर लोकेटेड इन ठट्टा, हालेजी लेक एंड सुनेरी लेक दोनों ठट्टा में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सारन लेक, सारन लेक इज लोकेटेड इन थरपारकर, द साल्टी लेक ऑफ सिंध। ये लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था एचपीएससी के टेस्टों में साल्टी लेक एंड सिंध जो ना वो कौन सी है, तो वो सारन लेक ही ठट्टा में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अकरार लेक की, अकरार डन इज लोकेटेड इन भिटशा डिस्ट्रिक्ट मटियारी। ये करार लेक पे शेख अयाज की जो मजार है वो उसी करार लेक के ऊपर ही है, करार डन के करीब। नेक्स्ट हम बात करेंगे कारूंजर लेक, भोलुड़ू मंकी लेक एंड हाडेरू लेक आर इन थट्टा। ये कारूंजर लेक और जो ये हम भोलो सिंधी में बोलते हैं और इंग्लिश में मंकी हो गया, मंकी लेक एंड हाडेरू लेक ये भी थट्टा डिस्ट्रिक्ट में थट्टा में मौजूद है। देन गंजा एंड हार्स लेक इन दादू, ये गंजा लेक है और एक हार्स जो लेक है ये दोनों दादू में है। और ये हमारी प्राउड पब्लिकेशन है द मोस्ट ऑथेंटिक एंड द मोस्ट रिलायबल बुक फॉर प्रिपरेशन ऑफ आईएसपीएससी टेस्ट मेंशन ऑफिसर टाउन ऑफिसर एंड स्क्रीनिंग टेस्ट सीसी 2022 की जो भी होगी अनाउंसमेंट। ये उसके लिए बेस्ट हमारी गाइड है, लास्ट टाइम यूज की ये फोर्थ एडिशन हमारी जो थर्ड एडिशन थी उसमें अलहमदुल्ला 36 क्वेश्चन जो ना हमारे सीसी की स्क्रीनिंग टेस्ट और 2021 की भी स्क्रीनिंग उसमें लगे थे। और आप ये बुक अपने घर बैठे जो ना वो मंगवा सकते हैं थ्रू कॉल और व्हाट्सएप पे जो ना आप ये व्हाट्सएप करके और कॉल करके अपने घर बैठे जो ना ये बुक मंगवा सकते हैं। ये नंबर है 0313-03555-45, इसी पे आप कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करके अपने घर बैठ के जो ना अपने डोर स्टेप पे ही बुक मंगवा सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज जीके फोरम द हाउस ऑफ नॉलेज एंड टेस्ट प्रिपरेशन एंड इट्स मी अमन शुभम हंसवाल। कीप वॉचिंग एंड कंटिन्यू योर प्रिपरेशन फॉर म्यूनसिपल ऑफिसर टाउन ऑफिसर एंड अदर टेस्ट।